गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सतीश, गुड इवनिंग रंजना, गुड इवनिंग अजीमा, रविंद्र, सत्यम, दीपा, गुड इवनिंग लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया फोटो रिस्पिरेशन के बारे में। फोटो रिस्पिरेशन क्या है और रूबिस्को की प्रॉब्लम क्या है, इस पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने डिस्कशन किया। फोटो रिस्पिरेशन में एक प्रॉब्लम आप समझ रहे होंगे कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करता है प्लांट में रूबिस्को का जो कार्बोक्सीलेशन फंक्शन है, ठीक है, वो कार्बोक्सीलेशन फंक्शन सप्रेस होता है, या कह सकते हैं जो कार्बोक्सीलेशन के चांस हैं वो थोड़ा रिड्यूस करते हैं और ऑक्सीजनेशन के चांस बढ़ते हैं। जब भी ऑक्सीजनेशन होगा तो नेट कार्बन लॉस होगा, और इस नेट कार्बन लॉस में आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉब्लम ये है कि प्लांट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं, वो उतना नहीं बनेंगे जितना बनना चाहिए, तो ये नेट लॉस है। ये लास्ट में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। प्रज्ञा गुड इवनिंग, बलराम, अफीजा, नौसीन, रेखा, रतन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो रूबिस्को की एक प्रॉब्लम आपने ये समझ ली है, कार्बोक्सीलेशन के साथ साथ वो ऑक्सीजनेशन करेगा, या जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फोटो रिस्पिरेशन में, हमें जब भी फोटो रिस्पिरेशन होगा, 5 कार्बन शुगर कन्वर्ट होगा 3 फास्फोग्लिसरेट और 2 फास्फोग्लाइकोलेट में। 2 फास्फोग्लाइकोलेट को रिकवर करने के लिए C2 साइकिल ऑपरेट होगी, जिसे आप ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कैम प्लांट और C4 प्लांट। देखिए, C4 प्लांट पर ऑलरेडी मेरा एक क्लास है, मैं C4 प्लांट पढ़ा चुका हूँ, मेरा एक वीडियो C4 प्लांट पर पड़ा हुआ है, आप लोग उसे बेसिकली स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट्स की। पहले सिंपली समझ लीजिए C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स के बारे में मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, प्लांट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या हमारी अर्थ पर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता ही है। ठीक है, तो ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है। टेम्परेचर हाई होगा, यदि टेम्परेचर हाई होगा तो रिलेटिवली ड्राई कंडीशंस होंगी। कैसी कंडीशंस होंगी? ड्राई कंडीशंस। सभी स्टूडेंट इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, अर्थ पर जिस रीजन पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नो डाउट वहाँ पर कंडीशंस भी रिलेटिवली कैसी होंगी? ड्राई होंगी। आप इसको बेसिकली समझ सकते हैं, यदि कंडीशंस ड्राई हैं तो यहाँ पर एक लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा ऐसी कंडीशन में? वाटर। ऐसी कंडीशन में वाटर क्या होगा? एक लिमिटिंग फैक्टर होगा, लिमिटिंग फैक्टर। और यदि वाटर लिमिटिंग फैक्टर है तो यदि फोटो रिस्पिरेशन होता है, यदि फोटो रिस्पिरेशन होता है, अब इस पॉइंट पर सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि टेम्परेचर हाई है तो फोटो रिस्पिरेशन के भी चांस कैसे होंगे? हाई होंगे। फोटो रिस्पिरेशन के चांस भी हाई होंगे, और ऐसी कंडीशन में प्लांट जो वाटर यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, वाटर जो यूज होगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, उस वाटर का लॉस ज्यादा होगा। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, यदि टेम्परेचर हाई है तो फोटो रिस्पिरेशन के चांस ज्यादा होंगे, और यदि फोटो रिस्पिरेशन ज्यादा होगा तो जो वाटर ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी का यूज किया जाएगा 2-फास्फोग्लाइकोलेट को रिकवर करने में, वहां पर एनर्जी लगानी पड़ेगी। कंडीशंस ड्राई हैं, ड्राई कंडीशंस होने की वजह से वाटर एक कैसा है? लिमिटिंग फैक्टर है। और यदि ये सिचुएशन रहती है, यदि ये सिचुएशन रहती है, ठीक है, तो प्लांट्स में ग्रोथ की प्रॉब्लम आ जाएगी, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। ग्रोथ कैसा हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। क्यों इनहिबिट हो जाएगा? क्योंकि जिस वाटर का यूज फोटोसिंथेसिस में करना चाहिए, वाटर लॉस हो रहा है,
उस वाटर का एफिशिएंट यूज नहीं हो रहा है। दूसरा, जो सीओ टू फिक्स हो रहा है वो सीओ टू भी लॉस हो रहा है ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन। तो ऐसी सिचुएशन में वो प्लांट जो ग्रो करते हैं रिलेटिवली हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपनी फोटोसिंथेटिक स्ट्रेटजी में बदलाव किया। ठीक है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रेटजी में बदलाव कर लिया। ये बदलाव केवल इस वजह से किया कि वो अपने रूबिस्को को बचा सके फोटो रिस्पिरेशन से, फोटो रिस्पिरेशन से रूबिस्को को बचा सके। ठीक है, तो उन्होंने अपनी फोटोसिंथेटिक स्ट्रेटजी में बदलाव कर लिया। जब भी फोटोसिंथेटिक स्ट्रेटजी में हम बदलाव को पढ़ते हैं तो हम C4 और कैम प्लांट की बात करते हैं, C4 प्लांट और कैम प्लांट। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को दोबारा आपके सामने रखना चाहूंगा, दोबारा एक बार बताना चाहूंगा जिससे आप इजिली समझ लें। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, रूबिस्को की प्रॉब्लम है ऑक्सीजनेशन करना हाई टेम्परेचर पर। जो प्लांट्स हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं वहां पर फोटो रिस्पिरेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। यदि फोटो रिस्पिरेशन रुकेगा नहीं, लगातार होता रहेगा, तो वो डे टाइम में अर्थात दिन के समय जितना CO2 फिक्स करेंगे इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें से बहुत सारा CO2, बहुत सारा कार्बन जो रिड्यूस हुआ है कार्बोहाइड्रेट में लॉस हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पिरेशन। तो इस प्रॉब्लम को कैसे बचाया जाए, क्योंकि प्लांट मूव कर नहीं सकते हैं अपनी पोजीशन से, ऐसी या कहें जिस रीजन में ग्रो कर रहे हैं जहां टेम्परेचर ज्यादा है उस रीजन से वो मूव करके उस रीजन में नहीं जा सकते हैं जहां टेम्परेचर कम है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने अपनी फोटो रिस्पिरेशन प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी फोटोसिंथेटिक स्ट्रेटजी में बदलाव कर लिया। उसी डिफरेंट फोटोसिंथेटिक स्ट्रेटजी में हम लोग दो तरह की, ठीक है, रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं C4 साइकिल और दूसरा आप पढ़ते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो कैम पाथवे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि C4 साइकिल या कैम जो पाथवे है ये प्लांट्स में यूज होने वाला फोटोसिंथेटिक या कहें फोटोसिंथेसिस में कार्बन रिडक्शन के लिए यूज होने वाले पाथवेज हैं, जिनका मेन एम प्लांट्स को फोटो रिस्पिरेशन से बचाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे एक बार पूछें, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, कोमल, प्रतिमा, गुड इवनिंग। ठीक है, रंजना, अजीमा। ठीक है, बलराम, प्रज्ञा, सत्यम। चलिए, तो अब यहां पर एक ध्यान देना है सभी लोगों को। मैं कुछ कैम प्लांट पर मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, कैम प्लांट पर एक पूरा का पूरा वीडियो है, आप उसमें जाएंगे तो कैम प्लांट क्या है। ठीक है, सॉरी, C4 साइकिल पर, कैम प्लांट पर नहीं, C4 साइकिल क्या है, C4 प्लांट्स किसे कहते हैं। ठीक है, इस पर पूरा का पूरा एक वीडियो है। यहां पर एक पॉइंट आप सभी लोग और क्लियर कर लें, C4 साइकिल जिन प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन के लिए C4 साइकिल का हेल्प लिया जाएगा उन्हें C4 प्लांट कहेंगे, और जिन प्लांट्स में क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होगा उन्हें हम लोग कैम प्लांट्स कहेंगे। दोनों में एटमॉस्फेरिक, अब यहां पर ध्यान देना है सभी लोगों को, एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करने के लिए जो C4 साइकिल है या फिर जो कैम प्लांट हैं इनमें एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करने के लिए C4 साइकिल ऑपरेट होती है, एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करने के लिए ऑपरेट होगी C4 साइकिल। C4 साइकिल ऑपरेट होने के बाद इसी CO2 को दोबारा रिलीज किया जाएगा और इस CO2 को फिक्स किया जाएगा केल्विन साइकिल के द्वारा।
तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट एक पॉइंट पर ध्यान देंगे कि जब आप C4 प्लांट या कैम प्लांट की स्टडी करेंगे तो एटमॉस्फेरिक CO2 का रिडक्शन इन कार्बोहाइड्रेट, एटमॉस्फेरिक CO2 का रिडक्शन इन कार्बोहाइड्रेट हमेशा होगा केल्विन साइकिल के द्वारा, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। केवल और केवल कैम प्लांट या C4 प्लांट्स एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करते हैं, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। C4 प्लांट में आप मेसोफिल सेल्स और बंडल सीड सेल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये फंक्शन करते हैं। तो मैं कैम प्लांट की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। कैम प्लांट तो कैसे CO2 फिक्सेशन करते हैं और ये प्लांट क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, इस पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं। चलिए ठीक है रंजना, हम लोग बात करने वाले हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं उसको भी आगे हम लोग जानेंगे। और नाम है कैम। जिन प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन इस तरह की प्रोसेस से होगा उन्हें हम लोग कैम प्लांट्स भी बोलेंगे। कैम प्लांट्स, उनको हम लोग कैम प्लांट्स बोलेंगे। अब ध्यान से समझिए, सभी लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। केल्विन साइकिल आप लोग पढ़ चुके हैं और जो भी चेंजेस है मैं आगे आपको यहां पर बताने वाला हूं क्या चेंज होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इस पर ध्यान दें कि बहुत, आप सभी लोग जानते हैं रेगिस्तान एरिया में भी प्लांट्स उगते हैं। जो रेगिस्तानी एरिया है वहां पर भी प्लांट्स होते हैं और वो प्लांट्स जनरली आपने देखे होंगे तो वो बड़े छोटे से होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। उनमें जो पत्तियां होती हैं वो बहुत डेवलप नहीं होती बल्कि ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है, कांटे जैसे स्ट्रक्चर में वो पत्तियां क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ऐसे क्यों होता है, क्यों ट्रांसफॉर्म हो जाती है? क्योंकि रेगिस्तानी रीजन में, रेगिस्तान में वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, और लिमिटिंग फैक्टर क्या, बहुत सीवियर डिफिशियंसी आप कह सकते हैं वाटर की होती है। वाटर की जो कमी है वो बहुत ज्यादा है। और यदि जो प्लांट के पास वाटर है, जो ऑलरेडी उनकी सेल्स में वाटर प्रेजेंट है, उनकी बॉडी में वाटर प्रेजेंट है, यदि वाटर लॉस होता है तो उनकी डेथ बहुत इजीली हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान एरिया में उगते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कंडीशंस बहुत ज्यादा ड्राई है, वहां वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि फोटो रिस्पिरेशन यदि होगा तो वाटर लॉस होगा। इस वजह से इन प्लांट्स को केयरफुली अपनी वाटर लॉस को रोकना है। सभी स्टूडेंट इस पॉइंट पर जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है, वाटर लॉस को रोकना है क्योंकि एक लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, नॉर्मली वाटर लॉस को रोकना है। दूसरा, जो फोटोसिंथेटिक वाटर लॉस है, फोटोसिंथेटिक वाटर लॉस है उसको भी रोकना है थ्रू फोटो रिस्पिरेशन, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमारा फोकस फोटोसिंथेटिक वाटर लॉस को लेकर के है। तो ये प्लांट क्या करते हैं, अपनी CO2 फिक्सेशन की स्ट्रेटजी में बदलाव कर लेते हैं। CO2 फिक्सेशन की स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, बदलाव कर लेते हैं, ठीक है, केल्विन साइकिल जो आप पढ़ रहे थे उस वाले प्रोसेस में क्या बदलाव करेंगे उसी को जानना है। लाइट रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं कर सकते, लाइट रिएक्शन तो डे के समय ही ऑपरेट होंगी क्योंकि इन रिएक्शन में लाइट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो जिसे हम लोग डार्क फेज कह रहे हैं, जिस फेज को डार्क फेज कह रहे हैं, बदलाव केवल वहां किया जा सकता है। तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कौन से प्लांट्स में पाया जाएगा तो सिंपली आप समझ जाएंगे, ऐसे प्लांट्स जो रेगिस्तानी रीजन में उग रहे हैं, रेगिस्तान एरिया में उग रहे हैं, उन प्लांट्स में क्रेसुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर कंडीशंस बहुत ड्राई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, और यदि वाटर लॉस होगा तो जो उनके पास वाटर प्रेजेंट भी है वो वाटर लॉस हो गया तो उनकी डेथ भी हो जाएगी। और उस वाटर को, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सराउंडिंग जो सॉइल है या आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें ज्यादा वाटर हो जिससे वो एब्जॉर्ब कर लें,
तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया है कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कौन से प्लांट्स में पाया जाएगा। तो ऐसे प्लांट जो बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस में और हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। मैनी प्लांट्स ग्रोइंग इन वेरी ड्राई एंड ऑफन हॉट हैबिटेट्स हैव डेवलप्ड ए स्ट्रेटजी नॉट ओनली फॉर सर्वाइविंग पीरियड्स ऑफ सीवियर वाटर शॉर्टेज। ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में उग रहे हैं, ठीक है, वो यहां पर सरवाइव कर रहे हैं बहुत सीवियर वाटर शॉर्टेज की कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है। बट ऑल्सो फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस अंडर सच कंडीशंस। वाटर की डिफिशियंसी ज्यादा है फिर भी ये सरवाइव कर रहे हैं और उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा वो कैसे कर पाते हैं, वाटर लॉस से वो कैसे बचते हैं, इसी पॉइंट को हमें स्टडी करना है। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे आपने नाम सुना होगा कैक्टी, ऑर्किड्स, ठीक है, पाइनएपल्स, ये कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, ये उदाहरण हैं आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स। ऐसी कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट्स के ये कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, एज आर प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट ड्राई क्लाइमेट्स। तो आपको ध्यान रखना है ये कुछ उदाहरण है प्लांट्स के जो इस कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, इस सिचुएशन में ग्रो कर रहे हैं। आप इस पॉइंट पर सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, कौन से प्लांट्स में क्रेसुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म पाया जाएगा, कौन से प्लांट्स में क्रेसुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म पाया जाएगा, आप इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण मैंने आपको दे दिए। यहां पर एक एम है, यहां पर सभी स्टूडेंट एक पॉइंट पर ध्यान देंगे, केवल एक एम है और वो फंडामेंटल एम है वाटर लॉस को रोकना, ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। और ये प्रिवेंशन कैसे हो, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है और ये प्रिवेंशन भी होगा और इनकी फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है उसमें भी कोई इंटरफियर नहीं होगा। वाटर लॉस कैसे रोका जाएगा और फोटोसिंथेसिस में भी इंटरफियर ना हो, फोटो रिस्पिरेशन भी जनरली ना हो, इस स्ट्रेटजी को समझना है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट प्लांट्स को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर बायोकेमिकल पाथवे स्टेब्लिश करना है। तो अब इन प्लांट्स ने क्या किया, दीज प्लांट्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस। इन प्लांट्स ने अपनी वाटर लॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर लिया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्टोमेटा है प्लांट की लीव्स में, जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, उन स्मॉल पोर्स के थ्रू ही प्लांट गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट की लीव्स में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा। तो दिन के समय यदि ये स्टोमेटा ओपन होंगे तो एटमॉस्फेयर से CO2 अंदर आएगा, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इन्हीं स्ट्रक्चर से वाटर लॉस भी होता है, इन्हीं स्ट्रक्चर से वाटर लॉस भी होगा। और दिन के समय टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है, जो ड्राई कंडीशंस होती है जहां टेम्परेचर ज्यादा है, और यदि वहां पर प्लांट्स ने अपने स्टोमेटा को ओपन किया तो उस ओपनिंग के साथ CO2 तो एटमॉस्फेयर से अंदर आएगा, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये होगी उनकी लीव्स में प्रेजेंट वाटर लॉस होगा, और वाटर क्या होगा, लीव से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है, इस वजह से वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो इन प्लांट्स ने अपनी वाटर लॉस या इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने आप में कुछ चेंज कर लिया। क्या चेंज किया, इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया, प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ओपनिंग देयर स्टोमेटा ओनली ड्यूरिंग द नाइट। ये अपने स्टोमेटा को केवल और केवल ओपन करते हैं नाइट में, व्हेन इट इज कूल एंड ह्यूमिडिटी इज कंपैरेटिवली हाई। यदि दिन के कंपैरिजन में देखें, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है
एनवायरनमेंट बहुत ड्राई है, ऐसी कंडीशन में दियो स्टोमेटा ओपन करेंगे तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने स्टोमेटा को दिन के समय बंद रखते हैं और स्टोमेटा केवल ओपन करते हैं नाइट में। आप जानते हैं कि ऐसे रीजन्स पर जो मैंने अभी कंडीशंस आपके सामने रखी, वहाँ पर नाइट में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो टेम्परेचर क्या होगा नाइट में कम होगा, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है कंपैरिजन टू डे कम ज़्यादा होगी, नाइट में ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत कम है। तो यदि स्टोमेटा ओपन करेंगे ऐसी कंडीशन में वाटर लॉस नहीं होगा, और स्टोमेटा ओपन करके ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करेंगे। तो कैंप प्लांट्स में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, क्या ये दिन के समय CO2 कैप्चर करते हैं? तो आपका आंसर है नो। ये नाइट में अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं और नाइट में ही CO2 कैप्चर करेंगे फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से CO2 कैप्चर होगा नाइट में, जबकि केल्विन साइकिल और लाइट रिएक्शन ऑपरेट हो सकते हैं केवल और केवल डे में। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर हम लोगों ने दो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, और मैं बहुत आसानी से आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कंपैरिजन में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत आसान है। तो कैशुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म किन प्लांट्स में पाया जाएगा और उनकी स्ट्रेटजी वाटर लॉस से बचने की क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो क्वेश्चन लेकर के हम लोग चल रहे हैं, एक तो वाटर लॉस से भी बचना है और दूसरा फोटोसिंथेसिस भी होना है। फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल और लाइट रिएक्शन दोनों ऑपरेट होते हैं डे के समय, और मैंने आपको रूबिस्को एक्टिवेशन में ये समझाया कि डार्क कंडीशन में जब लाइट नहीं है, या मैं सिंपल कहूँ नाइट में, केल्विन साइकिल के एंजाइम भी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो केल्विन साइकिल से CO2 का फिक्सेशन होना है, वो भी डे में होगा। केल्विन साइकिल को जो एनर्जी सप्लाई होगी लाइट रिएक्शन के थ्रू, वो भी डे में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये CO2 कैप्चर कर रहे हैं नाइट में। तो अभी CO2 को रखा कहाँ जाए, CO2 को कैसे सेल के अंदर कैप्चर करके स्टोर किया जाए, हम लोग इस पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो जब ये स्टोमेटा नाइट में ओपन करते हैं, उसी स्टोमेटा ओपनिंग के साथ, क्योंकि नाइट में क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम है, वाटर लॉस नहीं होगा, उसी टाइम पर ये एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करते हैं और अपनी सेल में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं एसिड में। ध्यान देना है, एट द सेम टाइम, उसी समय पर नाइट में ही, एट द सेम टाइम दे टेक अप CO2 थ्रू द ओपन स्टोमेटा। ये CO2 को कैप्चर करते हैं उसी ओपन स्टोमेटा से। जब भी स्टोमेटा ओपन होगा तो CO2 क्या होगा, अंदर इंटर करेगा। तो जैसे ही नाइट में इन्होंने स्टोमेटा ओपन किए तो CO2 अंदर आया, क्योंकि डे के समय स्टोमेटा क्लोज रहते हैं तो गैसेस एक्सचेंज हो नहीं सकता, तो नाइट में गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, CO2 का अपटेक कर रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही CO2 अपटेक होगा, दिस कार्बन डाइऑक्साइड is immediately incorporated into phosphoenol pyruvate to form oxaloacetate by phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme। जरा ध्यान दीजिएगा, phosphoenol pyruvate जो CO2 atmosphere से आ रहा है, उस CO2 को fix कर दिया, उस CO2 को fix कर लिया phosphoenol pyruvate पर, जो convert हो गया oxaloacetate में, oxaloacetate। अब आप देख पा रहे हैं जो पहला प्रोडक्ट मिल रहा है, जो एटमॉस्फेरिक CO2 के फिक्सेशन से जो पहला प्रोडक्ट मिल रहा है, वो 4 कार्बन एसिड है, जबकि केल्विन साइकिल में 3 कार्बन एसिड मिल रहा था, इस वजह से हम इसे C4 साइकिल भी कह देते हैं, ठीक है। और कैंप प्लांट में C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस है उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक CO2 को किस पर फिक्स किया गया, फॉस्फोइनॉल पाइरवेट पर, और एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरवेट, आपको ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पाइरवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। अब केल्विन साइकिल से यहां कंपैरिजन आप करें, केल्विन साइकिल में CO2 को डायरेक्टली 5 कार्बन सुगर पर फिक्स किया गया था, अर्थात एसेप्टर रूबिप था,
जबकि कैम प्लांट में और C4 प्लांट में एटमॉस्फेरिक CO2 का एसेप्टर फॉस्फोइनॉल पाइरवेट है, जो कि 4 कार्बन एसिड ऑक्सलोएसीटेट में रिड्यूस हो जाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक CO2 नाइट के समय इंटर करके आती है स्टोमेटा के थ्रू सेल में, उस सेल में इस CO2 को फिक्स किया फॉस्फोइनॉल पाइरवेट पर और उसे कन्वर्ट कर दिया ऑक्सलोएसीटेट में। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ऑक्सलोएसीटेट को रिड्यूस कर देते हैं मैलेट में, साइटोसोलिक एंजाइम के थ्रू मैलेट में रिड्यूस कर दिया और मैलेट को स्टोर कर लिया वैक्यूल में। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, मैलेट को स्टोर कर लिया वैक्यूल में, ऑक्सलोएसीटेट इज देन रिड्यूस टू मैलेट बाई मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंड स्टोर्ड विद इन वैक्यूल अंटिल मॉर्निंग। ठीक है, रात में, नाइट में ये रिएक्शन हो रही है, नाइट में CO2 को कैप्चर किया फॉस्फेनॉल पाइरवेट पर, उसको फिक्स किया, बनाया ऑक्सलोएसीटेट, ऑक्सलोएसीटेट को रिड्यूस किया मैलेट में और मैलेट को स्टोर कर लिया वैक्यूल में जब तक कि लाइट रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, अर्थात जब तक कि नाइट खत्म नहीं होती है, तब तक मैलेट स्टोर है वैक्यूल में। अब ध्यान दीजिएगा, इसी बेसिस पर, ठीक है, इसे नाम दिया क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबोलिज्म। ठीक है, ध्यान दीजिए, एज दिस मेटाबोलिज्म हैज फर्स्ट बीन एलुसिडेटेड इन क्रेसुलेशी। ठीक है, आप जानते हैं सबसे पहले क्रेसुलेशियन प्लांट में इसको आइडेंटिफाई किया गया और इसमें स्टोर होता है एसिड, सबसे पहले क्रेसुलेशियन प्लांट में से आइडेंटिफाई किया गया, स्टोर होता है मैलिक एसिड, मैलेट स्टोर होता है वैक्यूल में, इस वजह से क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इस पाथवे का नाम हो गया। ठीक है, इट हैज बीन नेम्ड क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे हम लोग केम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले किन प्लांट्स में आइडेंटिफाई हुआ, तो ये आइडेंटिफाई हुआ क्रेसुलेशियन प्लांट में, और देन इसके बाद इसमें एक टर्म हम लोग और स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म किसका होना है, तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है मैलिक एसिड का, तो दोनों को कलेक्टिवली नाम दे दिया क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। आप जरा यहाँ देख सकते हैं नाइट के समय, नाइट में रिएक्शन क्या होने वाला है, कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नाइट में जो स्टोमेटा है वो ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे नाइट में, और जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो CO2 इंटर करेगा साइटोसोल में, साइटोसोल में CO2 इंटर होने के साथ ही हाइड्रेटेड कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा HCO3, HCO3 इज द हाइड्रेटेड CO2 है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, हाइड्रेटेड CO2 है जिसे हम लोग बाइकार्बोनेट फॉर्म में जानते हैं, तो जब भी CO2 हमारी सेल में इंटर करता है तो CO2 पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में। आप देख रहे हैं फॉस्फोइनॉल पाइरवेट, ये है फॉस्फोइनॉल पाइरवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरवेट पर इस CO2 को फिक्स किया और ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सलोएसीटेट, ऑक्सलोएसीटेट को देख रहे हैं रिड्यूस किया। ठीक है, NAD मैलेट डिहाइड्रोजनेस, ये साइटोसोलिक रिएक्शन है, ये साइटोसोलिक रिएक्शन और रिड्यूस किया मैलेट में और मैलेट को स्टोर कर लिया वैक्यूल में। ठीक है, यहां का एनवायरनमेंट कैसा है, एसिडिक एनवायरनमेंट, तो स्टोर कर लिया वैक्यूल में। अब यहां पर एक लिमिटिंग फैक्टर है, सभी स्टूडेंट इस पॉइंट पर भी ध्यान देंगे, यहां पर एक लिमिटिंग फैक्टर भी है। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, CO2 का एसेप्टर फॉस्फोइनॉल पाइरवेट, CO2 का एसेप्टर फॉस्फोइनॉल पाइरवेट है, जितना ज्यादा फॉस्फोइनॉल पाइरवेट होगा उतना ही ज्यादा हम लोग CO2 को फिक्स कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोइनॉल पाइरवेट नाइट के समय CO2 का एसेप्टर है और फाइनली ये फॉस्फोइनॉल पाइरवेट मैलेट में रिड्यूस होकर के वैक्यूल में स्टोर हो जा रहा है, तो CO2 को कितना कैप्चर कर पाएंगे, CO2 कितने अमाउंट में कैप्चर होगा, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है। जितना फॉस्फोइनॉल पाइरवेट होगा उतना ही CO2 कैप्चर होगा, तो इस फॉस्फोइनॉल पाइरवेट का सोर्स क्या है, उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं।
ठीक है। तो डे के समय, अब आप ध्यान दीजिएगा, डे के समय जो फोटोसिंथेसिस होती है, उस फोटोसिंथेसिस में जितना कार्बोहाइड्रेट यूज होना है प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है, और डेवलपमेंट में, वो तो होगा ही, प्लांट की ग्रोथ और एनर्जी रिक्वायरमेंट में जो भी कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। और डे के समय जितना एडिशनल कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है वो क्लोरोप्लास्ट में स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर है। नाइट के समय ये स्टार्च ब्रेक होता है, ये स्टार्च ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक होकर के इन फॉर्म ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट ये साइटोसॉल में आएगा, इन फॉर्म ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट 3 कार्बन सुगर के फॉर्म में ये सेल के बाहर आएगा। और आप जानते हैं इस 3 कार्बन सुगर का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ट्राइओस फॉस्फेट फाइनली कन्वर्ट होगा फॉस्फोनॉल पाइरेवेट में। फॉर एग्जांपल इसे हम लोग ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट मान लें, तो ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, देन 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड देन फॉस्फोनॉल पाइरेवेट। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का अल्टीमेट सोर्स क्या है? सुगर से जो स्टोर है स्टार्च में। इस तरह से प्लांट की क्लोरोप्लास्ट में स्टोर स्टार्च का ब्रेकडाउन नाइट में हो जाएगा और जो रिलीज होने वाले ट्राइओस फॉस्फेट है 3 कार्बन सुगर से वो फाइनली फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट CO2 को एक्सेप्ट करके फाइनली कन्वर्ट होंगे मैलेट में और स्टोर हो जाएंगे वैक्यूल में। तो जितना ज्यादा स्टार्च उनके क्लोरोप्लास्ट में होगा उतना ही वो CO2 कैप्चर कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा तो स्टार्च होगा नहीं, बहुत ज्यादा स्टार्च तो होता नहीं, एक लिमिट में होगा, और जब लिमिट में होगा तो वो लिमिट में ही CO2 कैप्चर कर पाएंगे। इसी वजह से इस रीजन में या हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में ग्रो करने वाले प्लांट्स को आप देखेंगे तो वो बहुत बड़े प्लांट नहीं होते हैं, वो बहुत भारी भरकम प्लांट नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है CO2 फिक्स करने की वो लिमिट हो जाती है इसी फॉस्फिनॉल पाइरुवेट के बेस पर। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को यहां तक समझ पा रहे हो, यहां तक आप सभी लोग समझ रहे होंगे। बताइए क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? कोई सर सही नहीं पढ़ाते हैं, गलती से लिख गया, सॉरी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलिए। आप सभी लोग यहां तक समझ रहे होंगे, आप सभी लोग यहां तक समझ रहे होंगे। कोई भी है स्टूडेंट, आप जानते हैं हमारे यहाँ तो, हमारे देश में तो कोई कुछ भी बोल सकता है। मैंने इनको इनवाइट तो किया नहीं है, मैंने कहा नहीं है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, ये तो डिसीजन स्टूडेंट्स को करना है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। तो ये सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आप यस और नो में मुझे बताएं तो आगे बढ़ा जाए, यस और नो में बताएं, ठीक है, कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मुझे यस और नो में जल्दी से बताएं। ठीक है, तो यहां पर सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कैंप प्लांट के बारे में बता रहा हूं और कैंप प्लांट्स ने अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंज किया है। ये CO2 को कैप्चर करते हैं नाइट में, मैं यहां पर फिक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार मैं कैप्चर करने की बात कर रहा हूं। CO2 को कैप्चर किया नाइट में,
नाइट में इस टोमेटा इस वजह से ओपन किए क्योंकि इन्होंने अपनी वाटर लॉस को रोकना था। वाटर लॉस से बचने के लिए इस टोमेटा नाइट में ओपन किए और उसी समय इन्होंने CO2 को कैप्चर किया। अब इसको आप C3 प्लांट से कंपेयर करें। C3 प्लांट्स में एक तरफ लाइट रिएक्शन चलते हैं डे में और दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन भी चल रहा है, अर्थात केल्विन साइकिल के थ्रू CO2 का फिक्सेशन भी हो रहा है। तो C3 प्लांट में रूबिस्को के द्वारा होने वाला CO2 फिक्सेशन डे के समय ही चलता है, नाइट में वो CO2 कैप्चर नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है क्या ये डे के समय अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, उससे क्या फायदा होगा? और जो मैलेट इन्होंने स्टोर कर लिया है अपने वैक्यूल में, इसका यूटिलाइजेशन डे के समय कैसे होगा? हम लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, डे में क्या होना है। डे कंडीशन में लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन है वो सप्लाई करेंगे ATP और NADPH, ATP और NADPH ये सप्लाई करेंगे। ठीक है, और CO2 कैसे आएगा क्योंकि स्टोमेटा तो क्लोज हो चुके हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा स्टोमेटा डे के समय क्लोज है, गैसियस एक्सचेंज हो नहीं सकता है, स्टोमेटा क्लोज है और गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता है। इस पॉइंट पर सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा और इस क्लोज होने के क्या फायदे हैं उस पॉइंट पर भी हम लोग आते हैं। डे के समय स्टोमेटा क्लोज है, एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या यूज होना है, कैसे मेलेट में स्टोर्ड CO2 को यूज किया जाएगा। दिन के समय जैसे ही लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है, ATP और NADPH का लेवल बढ़ता है, आप जानते हैं केल्विन साइकिल के एंजाइम्स भी क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। डे के समय मैलिक एसिड अर्थात मैलेट प्रेजेंट इन वैक्यूल ट्रांसपोर्टेड इनटू साइटोसोल, ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा साइटोसोल में। ध्यान दीजिएगा, जो मैलेट वैक्यूल में स्टोर था वो मैलेट ट्रांसपोर्ट होकर के आ जाएगा साइटोसोल में। साइटोसोल में यहां पर साइटोसोलिक मैलिक एंजाइम, मैं इस तरह से एम ई लिख देता हूं, साइटोसोलिक मैलिक एंजाइम इस मैलेट का ऑक्सीडेशन करेंगे। ये ऑक्सीडेशन NADP प्लस डिपेंडेंट होगा, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे NADP प्लस रिड्यूस हो जाएगा NADPH में और मैलेट कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में, पाइरुवेट में। ठीक है, साथ में आप लोग समझ सकते हैं पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है और मैलेट 4 कार्बन कंपाउंड है, इस तरीके से इसी के साथ रिलीज होगा एक CO2। ठीक है, क्या रिलीज होगा, CO2। मैं इसको इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट करता हूं। तो जब मैलिक एसिड मैलेट का ऑक्सीडेशन होगा पाइरुवेट में तो रिलीज होगा CO2। तो मैलेट फाइनली कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट में 3 कार्बन कंपाउंड और CO2 में। ये जो CO2 रिलीज हो रहा है ये CO2 केल्विन साइकिल के थ्रू फिक्स किया जाएगा। अब ये CO2 डिफ्यूज करेगा क्लोरोप्लास्ट में, ये CO2 डिफ्यूज करेगा क्लोरोप्लास्ट में और केल्विन साइकिल के थ्रू इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा शुगर में कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर क्वेश्चन 2-3 है, आप उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। CO2 किससे रिलीज होगा, तो ये मैलेट से रिलीज होगा और जब मैलेट से CO2 रिलीज होगा तो मैलेट का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन है, स्पेशलाइज्ड NADP मैलिक एंजाइम है। ठीक है, इसे मैलिक एंजाइम कहते हैं, ये NADP प्लस डिपेंडेंट है और इसका रिडक्शन हो गया NADPH में। आपको ध्यान रखना है NADPH में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ और ये 3 कार्बन जो पाइरुवेट प्रोड्यूस हुआ है, 3 कार्बन पाइरुवेट प्रोड्यूस हुआ है, ये भी इंटर करता है क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट में इसका रिडक्शन कर दिया जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। आपको ध्यान रखना है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में रिड्यूस हो जाएगा, जिसको रिकन्वर्ट कर लिया जाएगा दोबारा स्टार्च में।
तो ये CO2 रिलीज हुआ और CO2 को केल्विन साइकिल के थ्रू किया थ्रू फिक्स किया। तो आप सभी लोग ये ध्यान दें, क्या सी थ्री साइकिल केल्विन साइकिल कैम प्लांट्स में ऑपरेट होती है? क्या सी थ्री साइकिल कैम प्लांट्स में ऑपरेट होती है? एक क्वेश्चन ये है। तो विदाउट सी थ्री साइकिल CO2 का परमानेंट फिक्सेशन सुगर में पॉसिबल नहीं है। एक दो पाथवेज और हैं लेकिन वहां पर हम इस रेट से रिड्यूस नहीं कर सकते। तो सी थ्री साइकिल का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सी थ्री साइकिल का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, केवल C4 प्लांट और कैम प्लांट में एटमोस्फेरिक CO2 को कैप्चर करने के लिए C4 प्लांट और ऑपरेट होने लगा है। तो यहां पर जो ये आप ऊपर पाथवे देख पा रहे हैं, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये केवल CO2 को कैप्चर करने का पाथवे था। CO2 को फिक्स तो केल्विन साइकिल के थ्रू ही किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात। देखिए इस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग किसी पर कमेंट ना करें, ठीक है, कमेंट ना करें। बहुत सारे इस देश में काबिल लोग हैं, ऐसे काबिल लोगों की जरूरत है, इनकी काबिलियत तो आने वाले समय में पता चलेगी। चलिए आप सभी लोग यहां तक समझ रहे हैं, आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा हूं और आप सभी लोगों को आंसर देना है। यहां पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कैम प्लांट को लेकर के, आप सभी लोग एक्टिव रहें। कैम प्लांट को लेकर के मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये है कि CO2 कैप्चर करते हैं कैम प्लांट, CO2 कैप्चर करते हैं किस टाइम, कौन सा टाइम है, डे टाइम या नाइट, डे टाइम में या नाइट में CO2 कैप्चर करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। नाइट, ठीक है सतीश, कोमल, अजीमा, श्रद्धा राजपूत, प्रज्ञा, ठीक है, सभी लोग नाइट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि डे टाइम में इस्टोमेटा यदि क्लोज रहते हैं, इस्टोमेटा क्लोज होने का बेनिफिट क्या है कैम प्लांट्स में इन डे टाइम इस्टोमेटा क्लोज होने का बेनिफिट क्या है? क्या बेनिफिट है? ठीक है, अजीमा का आंसर है प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, कोमल, श्रद्धा राजपूत, ठीक है, वाटर लॉस। अब यहां पर एक पॉइंट सभी लोग और ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक पॉइंट आप लोगों को और ध्यान देना है कि एक फायदा और भी है दिन के समय में जब प्लांट टिश्यूज में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस चल रहा है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सेल क्यों ना हो उसे लगातार एटीपी की जरूरत है, तो टीसीए साइकिल भी ऑपरेट हो रहा होगा, ठीक है। टीसीए साइकिल ऑपरेट होता है तो CO2 रिलीज होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। फोटोसिंथेसिस एक अलग मेटाबॉलिक पाथवे है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस अलग है और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी चलता है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक सेल ही क्यों ना हो या दूसरी सेल्स क्यों ना हो।
तो जब हम लोग बात डे टाइम की करते हैं और कहते हैं कि इम्प्लांट में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, इसका एक बेनिफिट ये भी रहता है कि डे टाइम में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होने वाला CO2, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होने वाला CO2 भी इनकी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है और उसका भी यूज फिक्सेशन में कर लिया जाता है। ठीक है, तो वाटर लॉस को तो रोक ही रहे हैं, दूसरा CO2 रिलीज फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन है उसके द्वारा रिलीज होने वाला CO2 भी एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा है, उसका भी यूज कर लेंगे। ठीक है अजीमा, ये भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब C4 प्लांट में और कैम प्लांट में डिफरेंस क्या है? देखिए, C4 प्लांट भी CO2 को कैप्चर करते हैं जस्ट फॉस्फोनॉल पाइरूवेट पर कैप्चर करके। जैसा मैंने पहले बताया कि यहां पर CO2 आप देख सकते हैं, फॉस्फोनॉल पाइरूवेट पर कैप्चर किया गया एटमॉस्फेरिक CO2 को, ऐसा ही कैम प्लांट करते हैं, ऐसा ही कैम प्लांट करते हैं। लेकिन कैम प्लांट में CO2 कैप्चर और CO2 फिक्सेशन वाया केल्विन साइकिल दोनों के दोनों प्रोसेस डे टाइम में होते हैं, वैक्यूल में मैलेट का स्टोरेज नहीं होता है। तो कैम प्लांट और C4 प्लांट में एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 C4 साइकिल के द्वारा कैप्चर किया जाएगा, उस CO2 का यूज, ठीक है, अगले ही स्टेप में कर लिया जाएगा केल्विन साइकिल के थ्रू, और दोनों रिएक्शन, ठीक है, CO2 को कैप्चर करने का रिएक्शन और CO2 को फिक्स करने का रिएक्शन C3 साइकिल के द्वारा दोनों डे टाइम में ही ऑपरेट होते हैं, वैक्यूल में मैलेट स्टोर नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा डिफरेंस ये है कि आप लोगों ने C4 प्लांट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, C4 प्लांट में दो तरह की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं CO2 कैप्चर और फिक्सेशन में, एक को हम लोग मीजोफिल सेल्स कहते हैं और एक को बंडल शीथ सेल कहते हैं। मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल, मीजोफिल सेल्स कैप्चर करती हैं एटमॉस्फेरिक CO2 को वाया C4 पाथवे, C4 साइकिल, जबकि बंडल शीथ सेल CO2 को फिक्स करते हैं वाया केल्विन साइकिल। जब हम कैम प्लांट में आते हैं तो कैम प्लांट में जिस सेल में CO2 फिक्सेशन हो रहा है, जिस सेल में CO2 फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, या मैं कहूँ CO2 को कैप्चर किया जा रहा है नाइट में, CO2 को कैप्चर किया जा रहा है नाइट में, उसी सेल में इस CO2 को, कैप्चर्ड CO2 को फिक्स किया जाएगा, ठीक है। मीजोफिल सेल सी सेल है, सेल के लेवल पर वेरिएशन नहीं है, जो क्रेन्ज एनाटॉमी आप पढ़ते हैं वो उस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है हुमा, मैं RDT, बिल्कुल RDT पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मैं RDT डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बिल्कुल डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो फोटोसिंथेटिक स्ट्रेटजी में हम लोगों ने C3 साइकिल को पढ़ा, C3 साइकिल अर्थात केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल में रूबिस्को को स्टडी किया। रूबिस्को की प्रॉब्लम, ऑक्सीजनेशन की जो प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए, उस ऑक्सीजनेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए सारे चेंजेस किए गए हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन स्ट्रेटजी में C4 प्लांट और कैम प्लांट। आप इस नजरिए से इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक में, एक टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ CO2 जो फिक्सेशन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग CO2 फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस, उस पॉइंट को डिस्कस करूंगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, उनको हम लोग एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देन इसके बाद मैं आपके साथ यूनिट 13, इसके बाद मैं आपके साथ यूनिट 13 में RDT को ही डिस्कस करूंगा, यूनिट 13 में RDT को डिस्कस करेंगे। बीच में मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही, मैं उन टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, आपको रिवाइज करा देता हूं जहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं और क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं एक कुछ क्लासेस में, ठीक है धर्मेंद्र, ठीक है, बिल्कुल।
ठीक, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनका मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, जहां क्वेश्चन आने के चांस हैं और उन टॉपिक से क्वेश्चन बनते रहते हैं, वहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ बीच में मैं ऐसी क्लासेस अरेंज करूंगा जिसमें हम लोग जो भी समय लगेगा, 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे, मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करा दूंगा जिससे आप अपने एग्जाम में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक श्रद्धा, बिल्कुल रिवीजन करवा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। तो सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।